बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीएमएफ क्लास, आई एम डॉक्टर मेमुन अस्मा फ्राम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का, तो उसमें हमने मिनरल्स पढ़े, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा होते हैं। न्यूट्रिशन में गिजाइत के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन या लहमियात। प्रोटीन जिस्म का अहम और मुस्तकिल हिस्सा है, यह जिस्म के हर हिस्से में मौजूद होती है। यह जिस्म के अज़ा की नशोनुमा, तोड़फोड़ में, उनकी मरम्मत में अहम रोल अदा करती है। प्रोटीन सबसे, जितने भी गिजाई अज़ा हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है, क्योंकि हमारे जिस्म में जब बॉडी में कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है या एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर नए टिश्यूज़ बन रहे हैं या पुराने टिश्यूज़ की तोड़ फोड़ हो रही है, तो जो काम भी फंक्शनिंग हो रही है हमारी बॉडी में, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनमें प्रोटीन का एक बहुत ही अहम किरदार है। तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की वजह से एनर्जी ना भी मिल रही हो, तो प्रोटीन जो होती है वो हमारी बॉडी को एनर्जी फराहम करती है। लहमियात को मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हासिल करते हैं। यह निज़ाम इन्हज़ाम के दौरान प्रोटीन पर मुश्तमिल टूट फूट कर अपने साख्ती अजसाम यानी अमाइनो एसिड्स में तकसीम हो जाते हैं। जो हम खुराक खाते हैं जो कि प्रोटीन होती है जिसमें, ऐसी खुराक चाहे वो गोश्त है, दालें हैं, दूध है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, तो वो हम तो खुराक ऐसे ले रहे हैं रॉ मटेरियल टाइप, तो वो हमारी बॉडी में जाके उसकी तोड़ फोड़ होती है और वो लास्ट जो उसका हमें प्रोडक्ट हासिल होता है वो क्या है, अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड में चेंज हो जाती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा अफ़ाल प्रोटीन के हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसा बताया कि बॉडी में चाहे वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, पैगामात जा रहे हैं हमारी बॉडी को, या हमारे इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स सारे काम करा रहे थे बॉडी के, तो इंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन हमारे जिस्म में एक इकाई की तरह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। 1 ग्राम प्रोटीन से जिस्म को 4 कैलरी एनर्जी मुहैया होती है। अब एनर्जी कितनी दे रही है, ये 4 कैलरी अगर 1 ग्राम से, 1 kg में 1000 ग्राम है, और 1 ग्राम से 4 कैलरीज एनर्जी मुहैया हो रही है। एनर्जी भी दे रही है, दूसरे काम भी सर अंजाम दे रहे हैं बॉडी में, जो नए टिश्यूज़ बन रहे हैं, पुराने टिश्यूज़ की तोड़ फोड़ हो रही है, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ये प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिनसे हमें हासिल हो रही है। ये एग्स हैं, ये सारे मीट है, ये फिश है, ये बीन्स हैं, दालें हैं, ये सब जितने भी हैं, योगर्ट है, इनसे हमें एनर्जी हासिल होती है, मतलब प्रोटीन। ये प्रोटीन रिच फूड हैं और ये हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, और ये हमें डेली बेसिस पे, इनकी मिकदार हम पहले पढ़ चुके हैं, डेली बेसिस पे हमें कितनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के ज़राए कौन से हैं, जैसा हमने ऊपर डायग्राम में देखा कि वो उसमें तस्वीरें दी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब उसे हम पढ़ते भी हैं कौन कौन सी हैं। प्रोटीन के हसूल के लिए दरअसल ज़राए हैं, सबसे अच्छा जानवरों से हासिल करता है, ये हम पौधों से भी हासिल करते हैं, फलों से भी हासिल होते हैं, और सिंथेटिकली भी ये प्रिपेयर किए जाते हैं, मसनूई तरीक़ों से भी मशीनों में प्रिपेयर किए जाते हैं प्रोटीन रिच फूड, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका ज़रिया है वो क्या है, जानवर, एनिमल्स हैं। ये गोश्त है उनका, मीट, बफेलो का हो, कैटल हो, शीप, गोट, हर चीज़, ये मीट, या फिर चिकन है, पोल्ट्री मीट है, मुर्गी है, मछली, बतख, शुतुरमुर्ग, ये इन सब का गोश्त, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, मक्खन, दही, क्रीम, पनीर, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन पाई जाती है। इन सब चीज़ों से हासिल करते हैं हम, ये चीज़ें खाते हैं, प्रोटीन हासिल, इनमें प्रोटीन होती है, उसकी खुराक की जब तोड़ फोड़ होती है, लास्ट स्टेप उसका अमाइनो एसिड्स रहते हैं, और एनर्जी भी ये फ्राहम करते हैं। इसके अलावा सीरियल्स हैं, अनाज जैसे गंदम, मकई, चावल, दानों वाली फलियाँ, दालें, ये सब अनाज, इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा फ्रूट्स हैं,
बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, गरी, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। सब्जियों में, वेजिटेबल्स में होती है प्याज, बंद गोभी, मटर, गाजर। पौधों में सोयाबीन का तेल जो होता है उसमें भी, तो ये ऑयल है हम कहते हैं फैट्स है, इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। इसके अलावा मसनूई तरीक़ों से आर्टिफिशियली सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं मार्केट्स में गोश्त और सब्जियाँ, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये प्रोटीन रिच फूड हमें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही अपनी फंक्शन कर सके, क्योंकि बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा काम जो होते हैं प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं। इंजाइम इसकी वजह से हो रहे हैं, काम करते हैं, एनर्जी फ्राहम करते हैं। एक बात ये भी है कि खुराक जो होती है ये प्रोटीन वाली, ये डीनेचर हो जाती है, तब्दील हो जाती है, इसकी असल शक्ल नहीं रहती, मतलब वो कुछ और ही बन जाता है। खुराक को पकाते वक्त प्रोटीन की असलियत बदल सकती है, डीनेचर हो सकती है, प्रोटीन की असलियत दर्ज सेल सुरतों में बदलती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो सब्ज़ियाँ हम पका के ही खाते हैं, तो उनको भी इतना ज़्यादा इतना ना भूने कि उसकी गजाइत ही ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमें कच्ची ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी चाहिए, मतलब पकाना भी है तो जैसे स्टीम पे पकाना है, या कम हीट पे बहुत ज़्यादा भूनने से भी उनकी गजाइत कुछ चीज़ों की कमी आ जाती है उनमें। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन को डीनेचर कर सकती हैं? एक तो हीट है, पकाने से या स्टीम उबालने से, भाप देने से, भूनने से, रोस्टिंग से, कुछ चीज़ों की उनकी शक्ल बदल जाती है हीट से, वो जो पहले चीज़ होती है वो नहीं रहती। फ्रीज करने, ज़्यादा ठंडा करने से और बार बार गर्म करने से हमें चीज़ तो बाज़ार वैसी नज़र आ रही होती है कि ठीक है, अच्छा इसे ठंडा किया था, इसे डीफ्रीज कर लिया, रिफ्रीज करें इसे, कुछ भी हमें वो वैसी नज़र आएगी, लेकिन उसकी असल जो गजाइत होती है वो अंदर से बदल चुकी होती है। इसलिए इससे भी हो सके तो गुरेज़ करें, परहेज़ करें। शदीद हरारत, एक्सेसिव हीट से फलियाँ बनाना, पफ मेकिंग, ज़्यादा देर तक भूनना, ज़्यादा देर तक हरारत पर रखना, तड़का लगाना, इस सब की वजह से प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनको पका के ही, उनको डीनेचर करके ही खाना होता है, उन्हें असल फॉर्म में हमारे फ़ायदेमंद नहीं होती, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होती, जैसा कि गोश्त है, तो उसे अगर हम भूनेंगे नहीं तो वैसे वो हमारे इस्लाम में भी हराम है, और वैसे भी इसका उससे हमें फ़ायदा भी पका हुआ ही देगा। तो कुछ के लिए उनकी प्रोटीन की असलियत बदलना ज़रूरी भी होता है। अदर कौन सी हैं इसकी रीजंस? अल्ट्रासोनिक लहरें हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। आजकल हम ये माइक्रोवेव ओवंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रोटीन डीनेचर हो सकती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं या सिंथेटिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, इन सब की वजह से हमारी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो सकती है, उसकी असलियत बदल सकती है। रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स हैं, बाज़ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनके रेडिकल फ्री होती हैं और वो दूसरों से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल जब किसी और चीज़ से मिलते हैं तो वो चीज़ नहीं रहती, वो दूसरा कोई कम्प्लेक्स ही बन जाता है। इसके अलावा सनशाइन है, धूप, बाज़ प्रोटीन धूप की वजह से भी ज़ाया हो जाते हैं, मतलब दूध के प्रोटीन ज़ाया हो जाते हैं। दूध का अगर हम ज़्यादा देर तक धूप में रखें तो आपने देखा होगा कि वो हम कहते हैं कि ये दही बन गया, ये ख़राब हो गया है, तो वो भी ख़राब हो सकता है। प्रोटीन के फंक्शनिंग हम देखेंगे, कौन कौन से काम सर अंजाम देते हैं, इसके अफ़ाल क्या हैं। एक तो ये है, अब ए बी सी के लिहाज से उन्होंने कैटेगराइज भी कर दिया है कि ताकि याद करने में भी आप लोगों को आसानी हो। नए टिश्यू बनने के लिए प्रोटीन से नए टिश्यू, मसलन बाल, नाखून, झिल्ली की बालाई, नरम तह बनती है। तो हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं ये हर तीन माह के बाद नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हमारे जो नए सेल्स बनते हैं, सेल्स में का टिश्यूज़ बनाते हैं, तो नए टिश्यूज़ बनने के लिए प्रोटीन बहुत लाजमी है। बाल, नाखून, झिल्ली की बालाई नरम तह बनाती है,
इसके लिए नए टिश्यू बनने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिश्यू की मुरम्मत, अब नए टिश्यू के लिए भी और पुराने टिश्यू जो हैं अगर वो ज़ख्मी हो गए हैं किसी सूरत में, टूट फूट का शिकार हो गए हैं, तो उनको की भी मुरम्मत करती है। मतलब टिश्यू खुद ब खुद ही होते हैं कि डिस्ट्रॉय तो होते रहते हैं, साथ साथ पुराने नए बनते रहते हैं, लेकिन अगर नए टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ज़ख्म लगता है, कट होता है, तो आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों में वो कट से जो होता है, ज़ख्म होता है, जुड़ जाता है। तो इसकी वजह यह है कि वो पुराने टिश्यू की मुरम्मत होती है, नए टिश्यूज़ बनते हैं, और उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा कि किसी का कोई ऐसा सीरियस केस होता है, सर्जरी वगैरह होती है, तो डॉक्टर्स हमेशा यखनी का कहते हैं। इसकी वजह क्या है? यखनी बनाते हैं, उसमें मीट होता है और मीट में प्रोटीन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए टिश्यूज़ बनने के लिए या पुराने टिश्यूज़ की मरम्मत के लिए। इसके अलावा एनर्जी, एनर्जी फ्राहम करते हैं प्रोटीन से, जिस्म को तवानाई मयसर होती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स से अगर हासिल ना भी हो रही हो, तो प्रोटीन से अगर हमें एनर्जी मिल रही है तो वो भी काम चला सकती है। इसके अलावा इंजाइम्स, हमारी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो इंजाइम्स की बेस पे काम करते हैं। इंजाइम है उन्हें बूस्टअप करते हैं, फास्ट करते हैं, वरना एक फंक्शन जो इंजाइम की मौजूदगी में 1 सेकंड लगाता है, अगर इंजाइम्स ना हों तो उसे कई दिन लग सकते हैं। इसलिए इंजाइम बहुत ज़रूरी हैं, और इंजाइम जो हैं ज़्यादातर प्रोटीन के ही बने होते हैं। जिसम से मुख्तलिफ एंजाइम रतूतों के अखराज में भी प्रोटीन मुआवन होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में ये काम करती हैं। प्रोटीन की वजह से खून के जरिए ऑक्सीजन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाती है। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले तो वो सेल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। इसके अलावा स्टोरेज है, प्रोटीन की वजह से आयरन यानी फौलाद जमा होता है। हरकत का तवाजन है, कोऑर्डिनेशन मोशन है, जिस्म के अज़ा की हरकत के लिए आपस में तवाजन बरकरार रखता है ये प्रोटीन। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट है, हड्डियों और जिल्द को एलेटिन प्रोटीन सहारे देते हैं। इसके अलावा मुदाफियाती कुत इंसान में इम्यून सिस्टम को प्रोमोट करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। ये प्रोटीन जो होती है नेक्स्ट जनरेशन प्रोटीन की मदद से ही अफजाइश नस्ल का सिलसिला चलता है। ट्रांसमिशन में भी प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के असाबी निज़ाम में मौजूदगी से पूरे जिस्म में राबता और पैगाम रसानी होती है। हमारे दिमाग से पूरी बॉडी को पैगामात मिलते हैं, चाहे हमने एक हाथ भी हिलाना हो थोड़ा सा, तो उसके लिए भी हमारे ब्रेन से पैगाम आएगा, तभी यह काम हो सकेगा। और ये जो ट्रांसमिशन का काम करता है ये प्रोटीन की वजह से ही मुमकिन होता है। इसके अलावा तवाज़ुन है, रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं जिस्म की कारकर्दगी बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ कंट्रोल भी करते हैं। और मसलन खून में पानी की मकदार वगैरह, जिस्म में पूरी जो उसका एक बैलेंस होता है उसे भी वो चेकआउट करते हैं, इसीलिए इसे रेगुलेटरी फंक्शनिंग भी इसका है। तो ये इसके फंक्शन हुए प्रोटीन के। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में चाहे छोटा सा छोटा काम भी है तो वो प्रोटीन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे असाबी निज़ाम से जो ट्रांसमिशन होती है हमें काम करने के लिए, उसके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी होती है। इंजाइम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा एनर्जी फ्राहम करते हैं। तो हमारे प्रोटीन से ही नए टिश्यूज़ बनते हैं, पुराने टिश्यूज़ की मुरम्मत होती है। तो ये सब काम प्रोटीन से ही हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गिजाई अज्जा है जो से हमारी खुराक का ये प्रोटीन। थैंक यू।